व्हाट्सएप पर आने वाले गुड मॉर्निंग मैसेज से आपको लूट लेने के दावे का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। हर सुबह नींद से उठकर जब आप अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं तो क्या देखते हैं, किसी ना किसी ग्रुप में गुड मॉर्निंग का मैसेज जरूर आया होता है, जिसे देखने के बाद आप भी उसे आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये मैसेज आते कहां से हैं? इन गुड मॉर्निंग और त्योहारों की बधाई देने वाले रंग बिरंगे जिफ जो हैं, दरअसल बनाता कौन है? दावा यह है कि ऐसा मैसेज दरअसल चीन में बनता है और इन्हीं मैसेजेस के जरिए आपके फोन से जरूरी जानकारी चोरी करके खंगालने की कोशिश की जा रही है और साजिश रची जा रही है। दावा बेहद गंभीर है, लेकिन व्हाट्सएप पर आने वाले गुड मॉर्निंग मैसेज से आपके लुट जाने का दावा करने वाले मैसेज का सच क्या है, यह आपको वायरल सच बताने जा रहा है। व्हाट्सएप पर एनिमेशन की शक्ल में आने वाले ऐसे मैसेज को GIF यानी जिफ कहा जाता है। ऐसे जिफ देखने के बाद आप भी इन्हें शेयर करते होंगे, लेकिन दावा है देखने में खूबसूरत लगने वाले ये जिफ आपके बैंक अकाउंट के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। दावा है गुड मॉर्निंग विश का पैगाम लेकर आप तक पहुंचने वाले ऐसे मैसेज आपको लूटने की साजिश का सामान अपने साथ लेकर आते हैं, चाहे क्रिसमस हो या न्यू ईयर या फिर मकर संक्रांति। दो दिन पहले से ही हर किसी के व्हाट्सएप पर इन त्योहारों की बधाई देने वाले मैसेज की बाढ़ आ जाती है। लेकिन क्या आप अपने व्हाट्सएप पर पहुंचे ऐसे मैसेजेस को शक की निगाह से देखते हैं? क्या आपको कभी लगता है कि खुशी और शुभ जिंदगी का संदेश लेकर आए ये मैसेज आपकी निजी जानकारियां किसी सर्वर पर भेज सकते हैं? तय है आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे भला हम आपसे ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं। दरअसल इन सवालों के पीछे है सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज जो गुड मॉर्निंग मैसेज के असली मकसद से पर्दा उठाने का दावा कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में लिखा है, कृपया गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या किसी पर्व त्योहार वाले मैसेज या जिफ किसी को ना भेजें। चीन के हैकर्स ने इन मैसेज और जिफ में कुछ ऐसे कोड डाल दिए हैं जिससे जब भी आप ये मैसेज रिसीव करेंगे या भेजेंगे, आपके फोन में मौजूद आपकी निजी जानकारी चीन के पास पहुंच जाएगी। अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं तो मैसेज टाइप करके भेजें और जो पुराने ऐसे मैसेज आपके फोन में हैं, उन्हें तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि इसके जरिए आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर ATM पिन जैसी जानकारियां चोरी हो सकती हैं। वायरल मैसेज में हो रहे दावे से हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लगभग हर शख्स के फोन में ऐसे मैसेज और जिफ जरूर होंगे। मैसेज वायरल होने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसीलिए हर मंगलवार के दिन सुबह से व्हाट्सएप पर शुभ मंगलवार और बजरंगबली के नाम पर मैसेज आने लगते हैं और शाम होने के साथ ही गुड नाइट मैसेज की भरमार हो जाती है। आखिर कोई तो होता होगा जो समय समय पर इन मैसेज को भेजता होगा, लेकिन वो कौन है जो ऐसी शेर व शायरी और ज्ञान की बातें लिखकर ऐसे मैसेज बनाते हैं, और इससे उसका फायदा क्या होता है? क्या फोन से डेटा चोरी करने के लिए चीन ऐसे मैसेज तैयार करता है और फैलाता भी है? और क्या ये मुमकिन है कि जिफ जैसे रंग बिरंगे मैसेज से फोन में मौजूद अकाउंट की जानकारियां चोरी करके आम लोगों को लूटा जा सके? 125 अरब की आबादी वाले भारत देश में करीब 20 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम आपको बता दें, नए साल के मौके पर 12 घंटे के भीतर 200 करोड़ मैसेज लोगों ने एक दूसरे को भेजे। ये सिर्फ नए साल की बधाई के मैसेज थे। यह आंकड़ा बताता है कि दावा कितना गंभीर है। एक मैसेज से आपकी निजी जानकारियां, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल तक दांव पर लगी हैं। लेकिन ये दावा कितना सच्चा है, ये वायरल सच आज देश को बताएगा।
तो वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे की हकीकत जानने के लिए हमने दो चेहरों की तलाश की। पहला चेहरा साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव का था, जो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक की दुनिया को बहुत अच्छे से समझते और जानते हैं। पड़ताल का दूसरा चेहरा थे एथिकल हैकर नीरज अरोड़ा। हमने बारी बारी दोनों एक्सपर्ट से इस दावे का सच पूछा। पहले चलते हैं साइबर एक्सपर्ट्स मोहित यादव के पास और सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता इमरान खान साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव के पास अपने सवालों की लंबी लिस्ट के साथ पहुंचे। हमारा उनसे पहला सवाल यही था, क्या व्हाट्सएप पर आने वाले गुड मॉर्निंग और त्योहार की बधाई वाले इन रंग बिरंगे मैसेज के जरिए फोन में मौजूद जानकारियां चुराई जा सकती हैं? तो ये जो अटैक होता था ये बहुत सालों पहले होता था, ठीक है, लेकिन आज के जो व्हाट्सएप जो वर्जन चल रहे हैं, लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड का वर्जन चल रहा है, उस एंड्रॉयड के वर्जन में और उस व्हाट्सएप के वर्जन के अंदर इस तरह का कोई अटैक पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ। साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव मैसेज के जरिए फोन हैकिंग से इनकार तो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ वो एक जरूरी बात बता रहे थे। जरूरी बात ये कि दो साल पहले ऐसे मैसेज के जरिए हैकिंग की जाती थी। कम से कम दो साल हो चुके हैं। इमेज टैग अटैक बोला जाता था, तो स्पेसिफिकली उसमें होता क्या था, आपको एक इमेज में भेजता था, जब वो इमेज ऑटो डाउनलोड होता फीचर हमारे व्हाट्सएप के अंदर, ऑटोमेटिकली फोन के अंदर डाउनलोड हो जाता था और आपके व्हाट्सएप के का एक डेटाबेस होता है उसको अपलोड कर देता था एक सर्वर के ऊपर। तो उस डेटाबेस के अंदर आपके जितने भी मैसेजेस होते हैं, प्राइवेट मैसेजेस हो गए, जिससे बात हुई है, वो सब कुछ अपलोड हो जाता है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप मौजूदा वक्त में जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उससे फिलहाल हैकिंग नहीं हो सकती, लेकिन क्या साइबर एक्सपर्ट की बात सुनकर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए? दावे पर सच या झूठ की मुहर लगने से पहले हम पड़ताल का हिस्सा बने दूसरे चेहरे के पास पहुंचे। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक सुप्रीम कोर्ट के वकील और एथिकल हैकर नीरज अरोड़ा के पास पहुंचते हैं। हमने उन्हें वायरल मैसेज दिखाकर पूछा, क्या गुड मॉर्निंग मैसेज के जरिए फोन से डेटा चुराया जा सकता है? देखिए, इंटरनेट पे क्राइम करने के लिए क्या चाहिए आपको? डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। और उसको चोरी करने का सबसे इजी तरीका है कि हम लोगों को मैसेज के अंदर एग्जीक्यूटिव कोड को डाल के भेज दें, और जैसे ही एग्जीक्यूटिव कोड को लोग पिक्चर को क्लिक करेंगे या वीडियो को चलाएंगे, वो जो कोड है उनके मोबाइल में, उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और वो सारा डेटा हैकर्स को, जो कि सर्वर का एड्रेस जो कि उस कोड में होगा, उस कोड पर भेजेगा। ये सबसे इजी तरीका है और ये तरीका एक आम हैकर भी इस्तेमाल करता है, गैंग भी करते हैं और कंट्रीज भी कर सकते हैं, और ये लोगों का डेटा चोरी करने का सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता तरीका। हमने अपने हैकिंग एक्सपर्ट से दूसरा सवाल पूछा, इस तरह के मैसेज तैयार कौन करता है? देखिए, जो भी आदमी इंटरेस्टेड है कि मुझे पब्लिक का डेटा कलेक्ट करना है, वो उसको बना के उसमें EXE फाइल एम्बेड करके सोशल मीडिया में छोड़ देते हैं, और फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे एक मैसेज आ जाए जिसको लोग पसंद करें, फिर वो ना सिर्फ उसको लाइक करते हैं बल्कि वो फॉरवर्ड कर देते हैं और वो एक एक करके सर्कुलेट होता चला जाता है। हैकिंग एक्सपर्ट नीरज अरोड़ा के मुताबिक मैसेज के जरिए सिर्फ डेटा चोरी नहीं होता बल्कि पूरी व्यवस्था और प्लानिंग के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये जो डेटा है ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट किया जाता है, और इस डेटा का इस्तेमाल ना एक तो ऑथेंटिकेशन डेटा, लोगों के अकाउंट्स हैक करके पैसा ट्रांसफर करना, उनके अकाउंट से इंफॉर्मेशन चोरी करना, प्लस उनके अकाउंट्स में जो पर्सनल डेटा है वो कलेक्ट करना। तो इस तरह के लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज गैंग में काम करते हैं, और उनके जो टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि हमारे IT कम्युनिटी के लोग हैं, हैकर्स हैं, इस तरह के लोग मिलकर टीम बनाकर उस कार्य को करते हैं। और ये ऑर्गेनाइज गैंग है, जैसे एक टीम का काम है डेटा को कलेक्ट करना, दूसरे का काम है उस डेटा को एनालाइज करना, तीसरे का काम है उस डेटा को यूज करके उसको एक अपॉर्चुनिटी में या उसको कन्वर्ट करना पैसे में या जो भी इंफॉर्मेशन दे वांट टू सेल इनटू द मार्केट। एथिकल हैकर ने हमें बताया कि कोई बड़ी बात नहीं कि चीन में डेटा चुराने के लिए ऐसा कोई गैंग काम कर रहा हो। हैकिंग एक्सपर्ट के मुताबिक लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके मोबाइल में हैक करने वाला कोड कब इंस्टॉल हुआ और कब डेटा चोरी हो गया। एथिकल हैकर नीरज अरोड़ा के मुताबिक गुड मॉर्निंग और त्योहारों पर आने वाले बधाई संदेशों के जरिए डेटा चुराना मुमकिन है, इसलिए जानकारों की राय में व्हाट्सएप पर आने वाले गुड मॉर्निंग मैसेज से लूट जाने का दावा सच साबित हुआ है। ये है
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।